कि लाखों में एक कहीं दिखाई पड़ेगा आपको, वरना तो सब मंचना है चलना है। सारे झंझट ही समाप्त हो जाए। हमारा वैसे पुराना नाम बन्ने मियाँ था और अब नया नाम लोगों ने समाज ने हंसदास रख दिया। बाबा जी जानना ही चाहते हैं कि ऐसा राम ने, राम के चरित्र ने या राम ने आपको ऐसा क्या प्रभावित किया कि आप राममय हो गए, आपने सनातन धर्म अपना लिया। देखिए हम बहुत छोटे थे, करीब 14-15 साल की उम्र थी, हम अपने ममाना रहते थे औरैया, वहीं चले गए थे, हम 12 साल वहाँ रहे। तो वहाँ रामलीला होती है, उसमें हमारे मामा भाग लेती थी, तो जनकपुरी बाज़ार लगाया जाता है, वहाँ तमाम फ्रूट वगैरह दुकानें सजती थी, तो हमारे मामा फ्रूट बेचते थे, हम वहाँ चले। तो वो हमको ही भेजते थे, हमें उससे शौक था कि जब तुम वहाँ तुम्हें इनाम मिलेगा तो तुम ले लियो। तो हम वो दुकान पर बैठे हुए थे लगाए हुए, उधर से भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी जनकपुरी बाजार देखने के लिए आई, और आकर के तो उसने हमारे, हमने जो है जानते नहीं थे, तो उस सेव वगैरह रखे थे उसको हाथों में लेकर के उनके दिए, तो उन्होंने हंस करके दोनों लोगों ने सेव ले लिया और हमारे मस्तक पर ऐसे हाथ रख दिया। तो जाने क्या हमारे अंदर भावना सी बनी, फिर हम प्रतिदिन उनकी जितने दिन रामलीला भई बराबर देखने चले, दुकान तो एक ही दिन लगी थी, देखते रहे, पर हमारा जब तक हम रहे बराबर रामलीला देखी तो रामलीला हमारे भर गई। वही रामलीला का हमने, इन ये भाई जो बैठे हुए इनने पहले ही संचालन कर रखा था, और हमने आकर के फिर यहाँ संचालन, जब हम अपने घर पर यहाँ आ गए लौट करके, तो फिर हमने उसका थोड़ा सा संचालन इन लोगों के ज़रिए से हमने बताया कि हम बहुत जानते हैं उसके बारे में, हमने देखा है, और बहुत क्रियाएं इन लोगों ने तो रामलीला की पहले से कर रखी थी, बना रखी थी। बताएंगे भाई साहब हमारे हरिचंद जी हैं, ये व्यास जी रहे इस रामलीला के। अच्छा, आपने रामलीला में कौन कौन से पात्र किए हैं? वैसे हमने ज़्यादातर लेडीज पार्ट खेले, हमने के का पार्ट किया है, बारी की पत्नी तारा का पाठ किया है, मंदोदरी का पाठ किया है, सुलोचना का पाठ किया है, लेडीज पाठ हमने बहुत किए। अच्छा, राम रामायण में क्या क्या कुछ जानते, कुछ चौपाई सुनाइए। चौपाई सुनाए जिससे प्रेरित है, जिससे आप प्रेरित हुए। प्रात समय उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। ऐसी चौपाई है तमाम लला, आप तो निकल गई हैं दिमाग से। अच्छा, सनातन धर्म हर चीज का सम्मान करता है जी, लेकिन इस्लाम में सिर्फ एक का ही सम्मान होता है, ना वो सूरज को नमन करते हैं ना चंद्रमा को नमन करते हैं, तो इसमें कहाँ आप डिस्टेंस पाते हैं? कुछ नहीं, ऐसा है कि उनको जानकारी विशेष नहीं। किने? धर्म वालों को जी जानकारी होती तो वो सब ये सोचते कि सारी सृष्टि है, सारी कायनात है, वो अल्लाह की बनाई हुई है, और उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको हमें नमन करना चाहिए, जो अजर अमर की तरीके से हैं। तो वो ये नहीं चाहते, लिखा तो बहुत कुछ कुरान में है, मगर वो स्वर अमल नहीं करते, वो सिर्फ शरीयत के पाबंद है, वो तरीकत को भी नहीं, तरीकत में भी नहीं पहुँचते, सब शरीयत में बंधे भाई ज़्यादातर मुल्ला लोग। नहीं तो क्या आप ये मानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो कुरान के अनुसार नहीं चल रहा है इस टाइम? जी क्या कुरान, जो इस्लाम धर्म है वो कुरान के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा इस वक्त? नहीं चलाया जा रहा, कुरान कुछ कहता है करते कुछ अलग है।